हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट उज़मा शेफ। आज मैं आपके साथ दही बड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखें, हमारे दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके दही बड़े कैसे बने। तो चले आए फिर जल्दी से दही बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए हमारे पास है 1 कप माश की दाल धुली हुई, वाइट कलर की होती है ये दाल, एंड 1/2 कप हमारे पास है मूंग की दाल धुली हुई। ये देखिए, दोनों दालें हमने इनको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। दालें हमारी अच्छी तरह भीग चुकी हैं और काफ़ी अच्छी तरह फूल चुकी हैं। दोनों दालों का पानी हमने निखार लिया है, अब हम इसको पीस लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर बड़ा है तो आप एक ही मरतबा में दालों को पीस लें, अगर छोटा है तो आप 1/2-1/2 करके इनको पीस लें। ये देखें फ्रेंड्स, हमने दालों को अच्छी तरह पीस लिया है। अब हम इसमें साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको भी इसमें डालकर हम अच्छी तरह पीस लेंगे। ये देखें, हमने अपनी दालों को बहुत अच्छे से फाइन पीस लिया है और काफ़ी ये मुलायम हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं। ये हेल्प करेगा हमारे बड़ों को फुलाने में। जितनी अच्छी तरह से हम इसको फेंट सकते हैं, अब हम इसको फेंटेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी फेंट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एग बीटर यूज़ कर रहे हैं, हम इसकी मदद से इसको फेंटेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको एग बीटर से अच्छी तरह बीट कर लिया है ताकि इसमें एयर डेवलप हो जाए, और जितनी इसके अंदर एयर आएगी उतने ही हमारे जो बड़े हैं वो फ्लफ़ी बनेंगे। हम अपने दही बड़ों का पेस्ट जो है उसको चेक करके देख लेते हैं। बड़ों का पेस्ट चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, एक बाउल में आप पानी लें, ये आप इस पेस्ट को इस तरह पानी में डाल दें। ये देखें, हमारा बड़ा तैर गया है पानी में, तैर गया है, नैया पार कर गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसके बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पर है। ऑयल को हम चेक कर लेते हैं, इस तरह हम डाल के चेक कर लेते हैं। अगर तो ये ऑयल में तैर गया, समझें ऑयल हमारा गरम हो चुका है। हमें इतना ही गरम ऑयल चाहिए था। अब हम इसमें अपने बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, आप इस तरह से चम्मच से या हाथ की मदद से आप बना दें, शेप आपकी कोई सी भी हो कोई मसला नहीं है। ये खुद ही फूल कर अपनी शेप में खुद आ जाएंगे। ये देखें, हमने अपने बड़ों को डाल दिया है, अब मीडियम आंच पर आप इनको पकाइए। ये देखें, अच्छे से फूल रहे हैं। अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता पलटना शुरू करेंगे। ये देखें, इसी तरह हमें ऐसा ही कलर चाहिए, लाइट ब्राउन। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। इस तरह आप चम्मच की मदद से इनके ऊपर इस तरह ऑयल डालते रहें, और इनका कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट कलर इसका रखना है, क्योंकि अभी हमने इनको दोबारा फिर से फ्राई करना है। ये देखें, हमें इतना ही कलर चाहिए था, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, बाकी के भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखें, हमने बाकी के भी पकने के लिए डाल दिए हैं। जितना आपका बैटर अच्छा होगा, जितना फाइन आपकी दालों का पेस्ट होगा, उतने ही हमारे बड़े फ्लफी बनेंगे और खाने में बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। ये देखें, इसी तरह इनके ऊपर हम ऑयल डालते रहेंगे और इनको लाइट ब्राउन करना है आपने, जिस तरह आपने पहले किए थे। ये देखें, ये भी लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे और बाकी भी बिल्कुल इसी तरह बना लेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्किन क्रंची और सॉफ्ट हो तो इसको दोबारा फ्राई करने से ही इसकी स्किन क्रंची और सॉफ्ट बनेगी। तो हम इसको अब हम दोबारा इसको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करते हैं और ये तमाम बड़े एक साथ ही कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखें इस तरह से हम अपने तमाम बड़ों को इसमें दोबारा डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इनको दोबारा से फ्राई करेंगे। ये देखें हमने इनको लाइट ब्राउन किया था, अब हम इनको डार्क ब्राउन करेंगे। जब हम इनको पानी में डालेंगे तो इनका कलर खुद ही लाइट हो जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स हमारे बड़ों का कलर डार्क हो चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि आप कभी भी डायरेक्ट पकौड़ों को पानी में मत डालें। इससे क्या होगा कि हमारे पकौड़ों का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जब वो पानी में जाते हैं तो वो बाहर से बहुत ही नरम नरम हो जाते हैं लेकिन अंदर से एक गुठली की सूरत में रह जाते हैं, जिससे हमारे बड़ों का टेस्ट ख़राब हो लगता है। इन्हें हम निकाल लेंगे और इनको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें फ्रेंड्स हमने अपने तमाम बड़ों को दोबारा से फ्राई करके निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में ये ठंडे होते हैं हम अपना दही फेंट लेते हैं। 3 कप हमारे पास दही है, अब हम इसको बीट करेंगे या आप इसको हाथ की मदद से भी अच्छी तरह फेंट सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स हमारा दही अच्छे से बीट हो चुका है। 4 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, ये चली जाएगी इसमें, और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। दही हमारा फेंट के तैयार हो चुका है, अब हम अपने बड़ों को देख लेते हैं। नॉर्मल बटर है हमारे पास, अब हम इसमें अपने बड़ों को डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इनको भिगो कर रख देंगे। जब तक हमारे बड़े फूल कर तैयार होते हैं इतनी देर में हम इसकी दही बड़ों की चटनियां तैयार कर लेते हैं। मीठी मीठी चटनी बनाने के लिए इमली का पेस्ट लिया है हमने 1 कप। इसको हमने 2 घंटे के लिए इमली को भिगो दिया था और इसकी तमाम गुठलियाँ अलग कर ली थी और इसका प्लम हमने छान कर रख दिया है पकने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक 1/2 टीस्पून, सफ़ेद नमक 1/2 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा 1/4 टीस्पून, 3 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये हमारा इमली का पेस्ट पककर तैयार हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, इतनी देर में हम हरी चटनी अपनी तैयार कर लेते हैं ताकि इससे हमारे टाइम की बचत हो जाए। चले आए अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और हरी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए 1 कप हमने हरा धनिया लिया है, इसको धो के अच्छी तरह हमने मोटा मोटा काट लिया है। 12 हरी मिर्चें हैं हमारे पास, सफ़ेद नमक, काला नमक, 1/2 लेमन यूज़ करेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। हमारी हरी चटनी मज़ेदार तैयार है। हाफ कप पानी डाल के इसको आप अच्छी तरह पीस लें। ये देखें फ्रेंड्स इमली की चटनी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। ये देखें इतनी ही गाढ़ी हमें चाहिए थी, ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठंडा होने पर ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स हमने अपनी तमाम चीज़ें तैयार कर ली हैं, बड़े भी तैयार हो चुके हैं, खट्टी मीठी चटनी इमली की, हरी चटनी धनिए की वो यूज़ कर बना ली है हमने और अपनी दही को भी अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम अपने बड़ों की सर्विंग कर लेते हैं। बड़ों को आप इस तरह रख के हल्के हाथों से इस तरह दबाएं, ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं दबाना ताकि इसका पानी निकल जाए और हमारे बड़े भी ना टूटे इस तरह। ये देखें डिश में हमने अपने तमाम बड़ों को निकाल लिया है, अब हम इस पर अपना दही डाल देंगे इस तरह से। आप देख रहे होंगे दही हमारा कितना गाढ़ा है।
देखें, इस तरह से आप अपने बड़ों की सर्विंग कर सकते हैं। ये दही स्क्वायर सेट हो चुका है, अब हम इस पर अपना ये चाट मसाला ये डाल देंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसके बाद ये मीठी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई थी, ये हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। और ये हरे धनिए की चटनी है, ये आप डाल दें इस तरह से। ये देखें इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सॉफ्ट हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।